दक्षिण पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश हो सकती है। बिहार में भी तूफान का असर देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से फिर से साइक्लोन उठ रहा है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक साइक्लोन दाना 24 से 26 अक्टूबर के बीच भारत के पूर्वी तट से टकराएगा। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में यह तूफान ज्यादा तबाही मचा सकता है, लेकिन बिहार भी इससे अछूता नहीं है। दाना तूफान के कारण बिहार के कई जिलों में तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। खासकर बंगाल की सीमा से सटे क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर 24 से 25 अक्टूबर तक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण और सीवान को छोड़कर अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। इन जिलों में तेज बारिश और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत अगले 4 दिनों तक बारिश के साथ तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिलेगी। अच्छी बात यह है कि बारिश की वजह से लोगों को ठंड का एहसास होने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। दाना तूफान के असर को देखते हुए 24 अक्टूबर